प्रभावित प्रतिरोध मंचूरी के संरक्षक सुनील सिंह ने खलारी बीडीओ और सीओ को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के आलोक में यह बताया गया है कि रैयतों को नौकरी देने और बेरोजगारों के लिए कोल्डम खोलने की मांग को लेकर बैठक की गई थी। इससे सारी जुड़ी हुई जानकारी उन्हें दी गई है। इस मौके पर मंच के कई लोग भी मौजूद थे। जो हम लोग संडे को बैठक रखे थे, उसके बाद हम लोग एक ज्ञापन तैयार किए ग्रामीणों की मदद से और प्रभावित प्रतिरोध मंच के बैनर तले आज हम लोग ने अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और बताने का प्रयास किया है कि कई सालों से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। नौकरी से लेकर कोल्ड डम का मुख्य मुद्दा है। क्षेत्र में चारों तरफ अभी जो स्थिति है कोरोना के बाद से रोजगार के मामला में लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सीसीएल को सिर्फ प्रोडक्शन का चिंता है। तो हम कम से कम इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को अस्थायी कोल्ड डम वहां पे मिले, नौकरी चाकरी मिले। इसीलिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। मुख्य महाप्रबंधक को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, परियोजना पदाधिकारी को भी दिया है और यहाँ के सांसद महोदय को भी हमने एक ज्ञापन दिया है। तो कहीं ना कहीं सारा गांव एकजुट है इस बार और आप लोग से भी अपील करेंगे, कम से कम आप लोग भी एक पहल कीजिए, ताकि मीडिया के बिना हमको लगता है हम लोग का लड़ाई भी अधूरा है और सभी लोग का सहयोग भी मिल रहा है। इतना ही बोल के हम